गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू थ्री ऑफ अस। सो अगेन टुडे आई एम हियर, आई एम नॉट एट ऑल इन अ मूड। सो आज हम लोग जा रहे हैं कहीं किसी से मिलने, गाजियाबाद। एंड आज बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा उठने का भी, और काम मतलब कुछ काम करने का भी कोई मन नहीं था। ये भी मुझे इसने बोला है कि वीडियो बना लेते हैं। तो आई एम जस्ट मेकिंग इट। ओके, सो वी आर गोइंग। सो ये भी रेडी है, थैंक गॉड। इसने फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज वोर अ हाफ स्लीव जैकेट ऑन हिज स्वेट शर्ट। इसने भी आज तक स्वेट शर्ट मतलब इसने एक स्वेटर के अलावा और कोई पहना नहीं है। और मैंने सर्दियों में कभी तीन से कम लेयर्स कभी मेरी हुई नहीं है। सो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इसने स्वेट शर्ट और ऊपर से जैकेट भी डाला है। और अभी देखिए, एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको। अरे एसी ऑफ हो गया था मुझसे, एसी भी ऑन कर दिया इस लड़के ने। ये देखिए, ये लो जी, अभी वीडियो बनाई और बस एकदम 5 मिनट हुए हैं वीडियो बने हुए। मैंने स्पेशली गाड़ी रोकी है और ये मैडम जी सो गई हैं गाड़ी में, इतनी थकी हुई सी है। इसने हेड वॉश करना था वो सब भी नहीं किया, इसने ऐसे ही कहीं चल पड़ी। कल से मैंने इसको बोला हुआ है आज हमने किसी के पास जाना है मिलने, अभी बस गाड़ी में सोती हुई जा रही है। 5 मिनट का वीडियो बना के सो गई मैडम। चलो देखते हैं कब उठती है, क्या होता है, वहाँ पहुँचेंगे इसको। मैं वहाँ पहुँच के लगता है मैं उसको बोलूँगा कि यहाँ पहुँच गए हैं, उठ जाओ। लेट्स सी, बताता हूँ मैं कब उठती है। अभी क्या टाइम हुआ है, अभी 12:10 है आफ्टरनून के, देखते हैं कब उठती है अभी। मैं तो बहुत थक गई थी और मुझे कुछ कुछ खाना था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लाजपत नगर क्या कुछ भी। सो हम लोग अभी रास्ते में, वी हैव स्टॉप है लाजपत नगर में सेंट्रल मार्केट में नेचुरल आइसक्रीम है। तो ये देखो, तो ये मेरी है कॉफी विद वॉलनट्स और काजू किशमिश, और हिमांशु की है मैंगो और आई थिंक टेंडर कोकोनट है उसका। मेरे को आइसक्रीम बहुत पसंद है नेचुरल्स की, तो इसलिए वी ऑफन कम हेयर एंड वी हैव आइसक्रीम। ये मानसू ने अपनी आइसक्रीम को खत्म कर ली है, ये देखो ये खाली हाथ पे है। अब ये मेरी आइसक्रीम पे नजर है, अभी जस्ट बोल रहा था कि तू सारी आइसक्रीम खा लेगी, तू नहीं खा पाएगी तो मुझे दे दे। मैंने बिल्कुल आइसक्रीम खा ली है, उसे मांझू मैंने बिल्कुल भी नहीं ली है। सो आई एम डन विद माय आइसक्रीम नाउ। ही ऑन हिज फोन, ये अपने साले से बात कर रहे हैं, आई मीन ब्रदर इन लॉ से। तो अब हम फटाफट से घर पहुंच के फटाफट से हम पैकिंग करेंगे। अब हमारा ये प्लान बना है कि हम रात को करनाल रुकेंगे और फिर कल सुबह 6 बजे हम यमुनानगर जाएंगे, क्योंकि मम्मी हमारा बहुत बहुत जोरों शोरों से इंतजार कर रही है। तो इसीलिए हम जल्दी सुबह उठ के, ताकि मम्मी के पास हम 8 बजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि उनके साथ ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब हम उन्हीं के साथ करें। तो फाइनली गाइज हम लोग घर पहुंच गए हैं, और जैसे नेहा ने बताया था हम लोग बस पैकिंग कर रहे हैं फटाफट, बोला एकदम ऑल ऑफ अ सडन प्लान बना है आज जाने का। तो हम लोग प्लान अभी बस पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया है, नेहा मीना का हेल्प ले रही है और फटाफट बस सूटकेस में धड़ 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 सामान डाल रही है, और हम लोग बस एकदम यहाँ से एकदम निकलेंगे अब। तो मीना उसको हेल्प करा रही है, बस हम लोग पैकिंग फटाफट होके हम लोग अभी जा रहे हैं आज, और हम लोग सैटरडे नाइट आएंगे। तो आज करनाल रुकेंगे हम लोग, और कल फिर नेहा के होम टाउन यमुनानगर, कल मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग वहाँ निकलेंगे। आज नेहा के कजन्स हैं वहाँ पे, तो कजन्स के साथ हम लोग धमाल करेंगे, पार्टी करेंगे रात को, फिर उसके बाद कल सुबह निकलेंगे वहाँ से। अब हमारी पैकिंग फाइनली हो चुकी है और अब हम निकल रहे हैं करनाल के लिए, वहाँ नाइट से करके फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, सो सी यू ऑन द वे। गाइस फाइनली हम लोग निकल गए हैं करनाल के लिए। हाँ, करनाल के लिए, और
सो फाइनली अब वी आर ऑन आवर वे. तो रियान बहुत ही एक्साइटेड है बिकॉज ही इज गोइंग टू नानी हाउस. पहले हम लोग पहले भी गए थे करनाल, अब वापस जा रहे हैं. बस एक रात के लिए जा रहे हैं, फिर हम कल सुबह नानी हाउस जाएंगे. करनाल से? हाँ, यमुनानगर. हाँ जी. सो कल हम लोग यमुनानगर के लिए चले जाएंगे करनाल से. हाँ ठीक है, चलो सी यू, बाय बाय, सी यू देयर.